हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास हम जानेंगे अकाउंटिंग के, इस क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हम लोगों ने जितने टॉपिक पढ़ा था वो सारा हमारा क्या था, अकाउंटिंग टर्म। क्या था? अकाउंटिंग टर्म था कि अगर जो हम कोई बिजनेस करते हैं उसमें क्या क्या वस्तुएं लगती हैं, उन वस्तुओं को क्या क्या कहते हैं, कौन कौन से शामिल होते हैं। चलिए, पिछली क्लास हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग टर्म के बारे में। अब चूंकि जैसे हम अकाउंटिंग टर्म जब पढ़ रहे थे तो हमने आपको बिजनेस प्रोप्राइटर अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन, वाउचर, लेजर, एसेट्स, डिस्काउंट, इन सब के बारे में आपको बताया। और आज की क्लास हम जानेंगे कि अगर जो हमको अकाउंटिंग इक्वेशन करना हो, क्या करना हो, अकाउंटिंग इक्वेशन करना हो, तो इनका रिलेशन क्या होता है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल, कि जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ना, चलो सब समझ लो, कह रहा क्या है यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। कि जब अपने बिजनेस में जाते हैं तो जो हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है, क्या होता है, कैपिटल। और कैपिटल के पास जो हम लाइबिलिटीज लेते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो कर्ज, और उसके पास हमारा आ जाता है एसेट। इन तीनों का रिलेशनशिप ही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे अगर आप लोग यहाँ नीचे देखें ना, तो पहले आपको क्या दिया है, एसेट। एसेट्स के बराबर दिया क्या, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यानी कि जो कैपिटल क्या होता है, आपको पता है ना कि जब कोई बिजनेस का मालिक और अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो वही पैसा उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो जब कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तभी तो एसेट्स होगा ना। तो अब वो बिजनेस का मालिक चाहे कैपिटल लगाए और चाहे लोन लेकर के लगाए, यानी कि जो भी उस कर्ज हो चाहे कर्ज लेके लगाए, तो ये दोनों जब जोड़ के लगाएंगे हम तो वही हमारा क्या निकलता है, एसेट। अब इन्हीं तीनों के रिलेशनशिप हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। कि अगर हम बिजनेस में जाएं तो अगर जो अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे, देखिए हमने जो लोन लेके अपने बिजनेस में लगाया था वो, और प्लस हमने जो कैश अपने बिजनेस में लगाया था वो, जब ये दोनों हमने मिलाया है तब जाके हमने क्या किया, एक मेज या एक फैन या एक जो भी प्रोजेक्टर हमने खरीदा है, तब जाके एक हमारा एसेट्स तैयार। हमने वही बताया क्या कि और जो लाइबिलिटी है और हमारा कैपिटल है, यही दोनों मिलकर हमारा क्या बनाएगा, एसेट्स। वही दिया एसेट्स फॉर आवर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर आई देना अकाउंटिंग to this equation, assets of business are always equal to the total of its liability and capital. यानी कि जब हम जाते हैं अपने business में ना, तो हमेशा बिल्कुल equal to आता है क्या, हमारा liability और capital। फिर आया करा क्या है? It is also called balance sheet equation, the accounting equation is, जो यहाँ equation नीचे दिया। कि जब भी हम जाते हैं ना अपने accounting में, तो सबसे पहले यदि हमको record निकालना होता है तो हम जाते हैं किसमें, बैलेंस शीट में जाते। अब बैलेंस शीट में जब जाएंगे ना, तो हमारा दोनों तरफ का बैलेंस बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। आप लोग डेबिट और क्रेडिट सुने होंगे, जो आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। डेबिट और क्रेडिट क्या है, जैसे अगर हम जाते हैं किसी कोई सामान खरीदने के लिए, तो वो जब हम खरीदते हैं तो हमारा अकाउंट डेबिट होता है और उसका अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर हम 10 रुपया दे रहे हैं तो क्या उसका अकाउंट 5 रुपए क्रेडिट होगा, कितना क्रेडिट होगा, 5 रुपए, यानी 10 रुपए से जितना हम उसको पैसा देंगे, यानी कि जितना हम उसको देंगे उतना ही उसका पैसा डेबिट या क्रेडिट, यानी कि दोनों अकाउंट बराबर आएगा। यदि आपका डेबिट आता है कितना, हम मान के चलिए डेबिट आया 10, तो आपका क्रेडिट भी कितना आएगा, 10। यानी कि दोनों आपका बैलेंस क्या होता है, इक्वल आता है, चाहे आपका क्या हो, लाइबिलिटी या कैपिटल हो या एसेट, यानी कि दोनों का अकाउंट आपका बिल्कुल क्या होगा, बराबर। ये क्लियर सबको ना। और हम ये कहें कि आप अपने बिजनेस में लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों मिला करके अपने बिजनेस में लगाए कितना, मान लेते हैं 100 रुपए, तो आपने अपने बिजनेस में जो 100 रुपए लगाया तो एसेट्स खरीदा, तो क्या आपके बिजनेस में 100 रुपए से कम का कोई एसेट्स आएगा, 100 रुपए से अधिक का कोई एसेट्स आएगा, जब 100 रुपए लगाए तो 100 रुपए का ही तो आएगा ना। तो वही आपका दोनों बैलेंस शीट क्या होता है, ऑलवेज, यानी कि हमेशा से ही आपका बैलेंस दोनों इक्वल टू, यानी कि बराबर होता है, कहीं कम या ज्यादा नहीं होगा। और फिर आगे कह रहा है क्या, उसे हम लोग क्या पुकारते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से बुलाते हैं। फिर कह रहा है क्या, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, यानी कि एसेट्स बराबर क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फिर आपका आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट।
यदि आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस अकाउंटिंग करने का तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे इसमें। तो कह रहा पहले क्या, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट दिए गए। अब पहला देखिए दिया मनी मेजर कॉन्सेप्ट, दूसरा जाए तो आपको दिखेगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, फिर कह रहा गोइंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि सभी आपके क्या है कॉन्सेप्ट, कि आप अगर जो बिजनेस कर रहे हैं ना ये सभी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है, मनी मेजर कॉन्सेप्ट। अब इसमें कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है जिसे मनी कहा जाता है। कि अगर हमारे बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, मनी, यानी कि क्या पैसा जरूरी है। और जो पैसा नहीं रहेगा तो क्या हम अपने बिजनेस में किसी यूनिट को खरीद पाएंगे। अगर जो हमको अलग अलग यूनिट, जैसे हम ले लें कॉमन यूनिट हमारा क्या है पैसा, लेकिन अगर जो अलग अलग यूनिट लें हमको क्या करना है, एक रिमोट खरीदना है, एक कंप्यूटर खरीदना है, एक प्रोजेक्टर खरीदना है, एक व्हाइट बोर्ड खरीदना है, ये सबका कॉमन यूनिट हमारे पास क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए। जब तक मनी नहीं रहेगा तब क्या, तब तक हम अलग अलग यहाँ पे यूनिट खरीद पाएंगे। सबका कॉमन क्या होता है हमारा, मनी होता। फिर कह रहा है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके उसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाए। कि जिस ट्रांजेक्शन में मनी को मेजरमेंट किया जा सके, यानी कि चाहे अभी मिले और चाहे बाद में मिले उसे ही तो ट्रांजेक्शन माना जाएगा ना। अब हमने आपसे कोई सामान बेचा या हमने आपसे कोई सामान खरीदा तो उसमें कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है कि नहीं। अगर हम आपसे 10 रुपये हम खरीद रहे हैं, इसका रेट 10 रुपये, क्या हमको बिना पैसे का दे देंगे। और जो हम कह रहे हैं आप हमको क्रेडिट बेस पे दीजिए तो आज नहीं तो कल आप हमसे पैसा जरूर, वही आपका क्या कहलाता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है। जैसा है कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है। कि अगर जो हमारा कोई बिजनेस है और हम अपने बिजनेस में किसी सेल्समैन को रखे हैं तो पार्टिकुलर किसी एक दिन क्या करता है, किसी एक दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है। और फिर कह रहा है केवल इस अमाउंट्स को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि एम्प्लाई फिर क्या दे रहा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सेटिस्फेक्शन को मनी के रूप में मेजोर नहीं कर सकते। अब और हम ये कहें कि हमने क्या किया, एक सेल्समैन को अपने पास लिया, जो सेल्समैन क्या करेगा पूरे एक दिन में कितने का उसने सेल किया वो हमको सारा रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन करके देगा। तो वो जितना सेल किया रहेगा बस वही ट्रांजेक्शन हमको दिखाएगा ना। अब उसका खर्च करने का बिजनेस का ऑनर कोई और होगा। अगर जो एक बिजनेस है तो इस बिजनेस में क्या होंगे, तो पहले तो हम ऑफिस के लिए किसी को रखेंगे, ऑफिस के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, परचेस करने के लिए कोई दूसरा चाहिए। अब जो बड़ा सा बिजनेस है तो अकेले तो होगा नहीं, उसके लिए एक जिसको हम बोलते हैं ऑफिस में रखते हैं उसको बोलते हैं मैनेजर, क्या बोलते हैं मैनेजर, जो सबका मैनेजमेंट करता है। दूसरा चीज हम लोग रखते हैं अकाउंटेंट, क्या रखते हैं अकाउंटेंट, जो सबका हिसाब लेकर के और एक बार मैनेजर को दिखाता है। और उसके अंडर में हम लोग रखते हैं क्या, परचेज, और परचेज के पास रखते हैं सेल्स, क्या रखते हैं सेल्स। तो सेल्समैन का सिर्फ काम तो वही होगा ना कि जितना सेल करेगा उतना ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपको दिखाएगा, आपने कितना एक्सपेंस किया कितना एक्सपेंस नहीं किया, क्या उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि बस उसके पास एक ही रिकॉर्ड होगा कि उसने एक दिन में या एक महीने में या एक हफ्ते में उसने कितना सेल किया है, वही आपको अमाउंट का रिकॉर्ड दिखाएगा, बाकी और किसी अमाउंट का रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। अब वो पैसा आपके पास आता है तो आप उसका एक्सपेंस करते हैं कि आप अपने बिजनेस में लगाते हैं, अब वो आपके ऊपर डिपेंड। तो वही हमारा क्या कहलाता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है। यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो क्या किया जा सके कि मनी को एक अलग अलग तरीके से एक अलग अलग कॉन्सेप्ट के रूप में मेजर यानी कि डिवाइड करके हम क्या कर सकें, अलग अलग ट्रांजेक्शन के रूप में दिखा सकें। कि सेल्स का है तो वो सेल्स के ग्रुप में, और यदि वो परचेज का है तो परचेज के ग्रुप में। तो वही हमारा क्या कहलाता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है। फिर अगला आता है क्या, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो एंटिटी का मतलब सबको पता है ना, एंटिटी, बढ़िया आप लोग एंटिटी ना, किसे कहते हैं एंटिटी, किसका, कि जब कोई बिजनेस का कोई अस्तित्व, क्या हो, बिजनेस का कोई अस्तित्व, जैसे उसका नाम, क्या हो जाएगा उसका नाम। और जब हम बिजनेस में किसी नाम को रखते हैं तो हमारे लिए क्या एक अस्तित्व है, अगर जो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा तो हमारा बिजनेस चलने वाला। फिर कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार
बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग एंटिटी, कि मालिक अलग एंटिटी हो जाता है और बिजनेस एक अलग एंटिटी हो जाता है। बिजनेस एक अलग एंटिटी क्यों होता है कि अगर जो हम ये कहें कि नहीं आपको क्या करना है, बिजनेस का जो मालिक है वो है नहीं, लेकिन फिर भी बिजनेस में क्या करना है, सेल, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे थे कि यदि कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस को एंटिटी के रूप में देखा जाता है जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग होता है। अगर जो हम ये कहें कि हमारा बिजनेस का मालिक जो है ना बिल्कुल सही है, और जो वो हमारे बिजनेस का मालिक के नाम से रहेगा तो बिल्कुल सही चलेगा, और वही बिजनेस का मालिक किसी दूसरे जगह गया और एक ऐसा बिजनेस ओपन किया जिस बिजनेस का पहले से ही क्या है, सही नहीं है, वो पहले से ही सही नहीं चलता। अब बाद में वो अगर जो मालिक जाके भी क्या करे, जब उसका बिजनेस का एंटिटी पहले से ही खराब है, सही चल पाएगा? तो एक बिजनेस अलग एंटिटी हो जाता है और एक बिजनेस का मालिक अलग एंटिटी हो जाता है। फिर कह रहा है क्या, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी है। और फिर आया कह रहा है हम हमेशा इन दोनों को अलग अलग एंटिटी मानकर ही अकाउंटिंग करेंगे, कि अगर हम किसी बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस के लिए खर्चे अलग हो जाएंगे, हमारे मालिक के खर्चे अलग हो जाएंगे। अब जो बिजनेस का मालिक है, जो ऑनर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा लिया, अपने घर के लिए कुछ खर्चा निकाला, तो उसका हम अलग एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर बिजनेस का एंटिटी की बात करें तो बिजनेस को क्या करना है, प्रचार प्रसार करवाने में कुछ खर्च आएगा, बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाने में कुछ खर्च आएगा, ये सभी खर्च को जो हम लोग देखे थे एक अलग कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो यही सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहलाता है। और फिर आगे आता है क्या, गोइंग कॉन्सरस कॉन्सेप्ट। अब फिर आगे कह रहा है क्या, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहे, यानी कि ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, कि हम ऐसा मान लेंगे कि हमारा बिजनेस एक दिन दो दिन में खत्म नहीं होने वाला, बल्कि एक लंबे समय तक चलने वाला, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर आया कह रहा क्या, तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं, यानी कि अगर जो भविष्य में ऐसा ना हो कि हमको अपने बिजनेस को बंद करना है, यानी कि हम ये संभावना भी नहीं करें कि आगे चल कर हमको अपने बिजनेस को बंद करना होगा। फिर कह रहे हैं यहाँ पे क्या, इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, कि हमारा हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यू, यानी कि हमेशा एक्टिवेट रहेगा, कभी हमारा बंद होने वाला नहीं है, यानी कि ऐसा बिजनेस कि जो हमेशा रेगुलर चलता रहे, जिसका बंद होने का कोई चांस ना हो। फिर आगे कह रहा क्या, जैसे कि यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है, बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाए। अगर जो हमको अपने बिजनेस में कोई मशीनरी या कोई भी प्लांट खरीदना हो ना, तो हम उसके पैसे पे ध्यान नहीं देते, हम ये देखते हैं कि अगर हम 10 रुपए मास खरीद ले रहे हैं ना, तो भले से ही उसकी कास्ट ज्यादा है, लेकिन वो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में क्या करेगा, काम करेगा, लंबे समय तक हमारे बिजनेस में हेल्प करेगा, कि हम उससे क्या कर सकते हैं, जितना भी हम लागत लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम उससे क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो वही आपका कहलाता है कॉन्सेप्ट। क्लियर सबको ना? जैसे अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उस बिजनेस में हमको सबसे ज्यादा जरूरी, सपोज करिए कि हमारा क्या है, रिमोट, क्या है, रिमोट, और ये रिमोट हमको काफी महंगा मिल रहा है, हम ये सोचेंगे नहीं अगर हम इसको बेचेंगे तो 1 साल में, अगर ये 1 लाख का है, हम 1 साल में हम इसको 50 हजार में ही बेच पाएंगे, इससे 50 हजार ही कमा पाएंगे, तो क्या हम खरीद पाएंगे, नहीं, लेकिन हम ये सोच के खरीदेंगे कि अगर हम आज 1 लाख पे, 1 लाख में कमा ले रहे हैं ना, ये लंबे समय तक काम देगा, और ये 1 लाख के बजाय हमको 10 लाख दे करके जाएगा, तो हम खरीदेंगे तो हमारे बिजनेस में आसानी से ये काम करेगा। क्लियर सबको ना? तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, और अगली हम लोग पढ़ेंगे ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट।